नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीएन फ्रॉम टीएन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कि रोमांटिक गाना किस तरीके से बनने वाला है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों आपको। इंट्रो कैसे बनेगा, ड्रम्स कैसे बनेंगे, मेलोडीज़ कैसे ऐड होंगी, ठीक है। प्लस एक खुशखबरी आपके लिए, गिटार के सैंपल बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखना भाई, आराम से पेशेंस के साथ बना के रिलैक्स होके देखो दोस्तों, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने में, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने में, 3 महीने का ऑनलाइन अपना कोर्स चलता है जिसके अंदर पर्सनल क्लासेज होती है 1-on-1, जिसकी डिटेल आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल है भाई, घबराना मत, कॉन्टैक्ट करना। और म्यूजिक का सारा डाटा भी हम फ्री देते हैं, तो A to Z सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कोर्स के अंदर, कॉन्टैक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों कैसे कैसे ये गाना अपन बनेंगे। पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा एक बार क्या चीज़ बनाने वाले हैं। भाई मजा आया, कमेंट में बताना कैसा लगा म्यूजिक आपको, ठीक है। इस तरीके का अपन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि शुरुआत कहां से करेंगे भाई। शुरुआत अपन करेंगे कोड से और मेलोडी से, ठीक है। बिकॉज रोमांटिक गाना है तो कोड और मेलोडी से बेस अपन बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, मैंने अपना गिटार वाला जो सैंपल पैक है उसमें से मैंने ये वाला गिटार चूज कर लिया। सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत करी थी भाई, आपको सारी चीजें खोल के बताता हूँ। ये वाला गिटार था, सुन के देखो। ठीक है, ऐसा गिटार था। अब ये जो है गिटार जो है दोस्तों स्लो लग रहा है, इसके ऊपर अच्छा लग रहा है सुनने में, बट इसके ऊपर बंदा गा नहीं सकता भाई, ठीक है। तो इसको गाने लायक बनाने के लिए वही तो म्यूजिक प्रोडक्शन होता है कि किसी चीज़ को, किसी सैंपल को अपन इस तरीके से चॉप करेंगे कि उसके ऊपर आराम से सिंगर गा सके, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया भाई, मैंने इसको चॉपिंग किया। चॉप करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके का पैटर्न इसका बनाया, सुन के देखो भाई पैटर्न एक बार। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक रिदम आई है दोस्तों जिसके ऊपर आराम से अपन गा सकते हैं और एक फ्लो अपन पकड़ सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से मैंने चॉप किया, थोड़ा सा फास्ट भी हो गया है। ये जो गिटार है दोस्तों, अकेला इसको सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसके साथ अपन कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा भर जाइए और अजीब नहीं लगे सुनने में, एक फ्लो आ जाए इसके अंदर। तो इसके साथ मैंने जो ऐड करा है वो है अपना गिटार के कोड्स। ठीक है भाई, इस तरीके के 4 कोड मैंने लगाए हैं और वही कोड हैं जो कि इस गिटार के सैंपल में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए अपने को म्यूजिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है दोस्तों कि कौन सा कोड बज रहा है, कौन सा कोड लगाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता नहीं सकता मैं, कोई एक आधी वीडियो बना देंगे इस पे, चाहिए तो बता देना पूरी कंप्लीट म्यूजिक थ्योरी पे। मेरे हिसाब से भाई यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मेरे को पता है, बट मेरा तरीका अलग है थोड़ा सिखाने का, ठीक है। और बाकी अगर किसी को प्रॉपर वैसे सीखना है तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब प्लगइन जो मैंने यूज़ किया भाई गिटार कोड बजाने के लिए वो है अपना पिक्ड नायलोन, ठीक है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी है, ओके। इसके बाद दोस्तों मैं इंट्रो बना रहा था इस गाने का, ठीक है, ये इंट्रो है इस गाने का। तो इंट्रो में मेरे को चाहिए था कि मैं इसमें फ्लूट ऐड करूँ या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करूँ, तो मेरे को फ्लूट का एक सैंपल मिला ये वाला। ठीक है भाई, ये सैंपल है। अब ये सैंपल जो है दोस्तों ये भी डायरेक्ट अपन ने उठा के चिपकाया नहीं है भाई इसको, ये इस तरीके से था, इस ऑक्टेव में था ये सैंपल, ठीक है। तो इसकी स्केल जो थी वो डाउन थी दोस्तों, फिर मैंने क्या किया इसको 600 सेमीटोन ऊपर कर दिया अपने गाने की स्केल से, की से मैच करने के लिए, ठीक है। ये सारी म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज है भाई, ठीक है। तो इसको फिर मैच करने के बाद कुछ इस तरीके का सुनने लग गया ये, समझ रहे हो ना बात को। तो सारी चीज़ों को अटैच करते हुए अपन जोड़ेंगे दोस्तों, इसी को बोलते हैं साउंड सिलेक्शन।
समझ रहे हो, साउंड सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है म्यूजिक के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या चीज़ ऐड करी है भाई इसके अंदर, एक बेस ऐड किया है कुछ इस तरीके का, हेडफोन में सुनेगा, हेडफोन के अंदर लगा के सुनना, वैसे नहीं सुनेगा मोबाइल में। मॉर्फिन का बेस है दोस्तों, ठीक है, बेस का नाम है बेस बबल MC। तो ये वाला भी सैंपल दोस्तों थोड़ा सा नीचे था, मैंने इसको ऊपर किया है 100 सेमीटोन। सैम्पलिंग करने के लिए भाई, साउंड को मैच करने के लिए काफ़ी सैम्पलिंग करनी पड़ती है अपने को, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर नहीं सकता मैं ना, तो मेरे को एक डीप डाउन वीडियो बनानी पड़ेगी सैम्पलिंग की, ठीक है। आप कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्रॉपर सैम्पलिंग सिखा दूंगा। उसके बाद दोस्तों पैड ऐड किए मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके के, ठीक है, वही सेम कोड है जो कि मैंने गिटार के यूज़ किए थे। पैड का प्रीसेट है पैड स्लीपी नाम से, मॉर्फिन का, ओके। तो ये दोस्तों अपना मेलेडी काम पूरा, मेलेडीज़ जो है पूरी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसके अंदर ड्रम पैटर्न बनाया, और ड्रम पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई इसकी, देखना। सबसे पहले किक स्नेयर लगाया मैंने कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये जो क्लैप है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा स्नेर का भी एसेंस है, समझ रहे हो बात को। और इसके बाद एक हाई हैट लगाई कुछ इस तरीके की, ठीक है, यहां तक ग्रूव बना नहीं है, इसके बाद जो चीज ऐड करी है उससे ग्रूव बनेगा। ये वाली जो चीज है दोस्तों, ये हाई हैट सुन के देखिए, ठीक है। तो एक इंडियन चीज है, एक स्विंग आने लग गई इसके अंदर इस हाई हैट को ऐड करने के लिए। ये देखिए इसके जस्ट बाद आ जाती है यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ और है, ये रिम शॉट है शायद, इस क्लैप के साथ लेयर किया है। फिर अगली वाली क्लैप के साथ एक और रिम्स शॉट मैंने यूज़ किया है, जिसके अंदर रिवर्ब काफ़ी सारी है, सुन के देखिए। तो इस तरीके से अपन जो है रिदम को फिल करते हैं कई सारी चीज़ें ऐड करके, बट ऐसे नहीं कि हर कुछ ऐड कर दिया, थोड़ी थोड़ी अपने को गाने के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अब स्नेर जो है इसके अंदर डब स्टेप वाला नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि ये रोमांटिक गाना है। एक चीज़ और है इसके अंदर, सुन लेते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है। एक स्नेर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन काउंटर स्नेर, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों ड्रम पैटर्न अपन ने बनाया है भाई। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब सेकंड बार अपना हुक रिपीट होता है, यानी कि जो मैंडोलियन वाला पार्ट है वो रिपीट होता है, तो मैंने इसके अंदर ढोलक ऐड किया है, सुन के देखिए। तो ये ढोलक के सैंपल है दोस्तों। अब ढोलक में मैंने लेयरिंग करी है, सबसे पहले पतला ढोलक है एक छोटा सा इस तरीके का, उसके बाद थोड़ा सा बेस वाला है, और एक फिलर है ढोलक का। तो भाई देखो, हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है ना। इस गाने में देखो ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ नहीं की, बट इसमें आपने देखा होगा मैंने 4-5 टॉपिक की बात करी, लेयरिंग होगी जैसे ढोलक की लेयरिंग करी, सैम्पलिंग करी अपन ने फ्लूट की, मैंडोलियन की, और अपने खुद से म्यूजिक थ्योरी यूज़ करके अपन ने कुछ कोर्स भी बनाए ना। तो हर चीज़ की एक अलग इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं कि बनाने बैठे तो कुछ भी बना दिया, कुछ भी चिपका दिया। हर चीज़ की साउंड सिलेक्शन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है दोस्तों ना। गाने का म्यूजिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, इसको फुल कंप्लीट सुनेंगे, उससे पहले आपको बता दूँगी अगर आप भी ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, A to Z म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एवरीथिंग आपको जीरो से हमारे ऑनलाइन कोर्स में सिखाया जाता है, ठीक है। 3 महीने का कोर्स होता है दोस्तों, प्रॉपर आपको पर्सनल क्लासेज इसके अंदर दी जाती है, 1-on-1 अफोर्डेबल कोर्स है, सारा म्यूजिक का डाटा फ्री मिलता है भाई, रिजल्ट श्योरली मिलेंगे आपको बिकॉज पर्सनल ऑनलाइन क्लास है, 1-on-1 ऑनलाइन क्लास होती है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके आप ऑनलाइन कोर्स की डिटेल ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, अपने करियर जो है दोस्तों एस्टेब्लिश कर सकते हो म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर। सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनली सिखाने वाला हूँ। चलिए म्यूजिक पूरा सुन लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो कर देना दोस्तों, आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ। गिटार सैंपल आपको मिलेंगे, वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, मोहब्बत बनाए रखना। सुन लेते हैं कंप्लीट गाना।